बोलो जी, कैसे रोका मेरे को? मैंने तुम्हें इसलिए रोका, तुम जा रहे हो इधर, मुझे बाजार जाना है, तो मुझे भी साथ ले चलो ना। चलो ठीक है, मैं तो ठेके पे जा रहा था, और कौन से मेरे सर पे बैठोगे, सीटी पे तो बैठना है, चलो बैठ जाओ। हाँ ठीक है, जहाँ तक जा रहा है वहीं तक ले चल। अरे भाई, तुमने यहाँ क्यों रोक दिया, चलना। आपको पता नहीं है क्या, दिखता नहीं है क्या, वहाँ पर सामने चलान काट रहे हैं। अरे रुक, मैं चश्मा लगाना भूल गई। और जो वो मैडम है ना, वो तो बिना चलान काटे हुए आगे जाने नहीं देती, बड़े खतरनाक है। अरे रुक, तू चल, वो जो दिख रहा है ना तुझे बुड्ढा हौलदार, वो तो है मेरा पति, और जो वो लड़की दिख रही है ना तेरे को, वो है मेरी बहू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। What a dish, no problem, I am right. जब वहाँ आपका परिवार खड़ा है तो मैं क्या डरूं, एक तो पहले से ही शेर था और एक और आपने शेर बना दिया, तो मैं तो दो दो शेर हुआ ना। हाँ हाँ चल ना, दो दो से डरते थोड़ी ना। हाँ ठीक है चल। चलो मैडम के पास। चलो भाई, गाड़ी के कागज निकालो। अरे बहू, कागज को छोड़, हमें जाने दे, हमें जल्दी है। ऐसे कैसे जाने दूं, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे, चलो दिखाओ कागज। ये लो, मरवा दिया ना, आप तो कह रहे थे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी बहू है। कहाँ गई है आपकी बहू, मैं तो किसी की मांग ले गया था मोटरसाइकिल, अब बताओ मैं क्या करूँ। अरे भाई क्यों घबराता है, मैं हूँ ना, मत डर। ए बहू, कान खोल के सुन ले, मैंने इससे लिफ्ट मांगी है, तू इससे कागज मत चेक कर, समझी। देखिए माँ जी, इस वक्त मैं आपकी बहू नहीं हूँ, एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। अरे मैडम जी, तुम सास बहुओं के चक्कर में मुझ गरीब को क्यों मार रहे हो, मोटरसाइकिल मांगे ले गया था किसी की, ठेके पे जा रहा हूँ बोतल लेने के लिए। चुप, एक तो तू कागज नहीं दिखा रहा, और ऊपर से तूने शराब भी पी रखी है, और ऊपर से बकवास कर रहे हैं। चुप कर बहू, अब मेरे होते हुए तू इसके कागज चेक करेगी। माँ जी, ऑन द ड्यूटी हूँ, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे, तभी जाने दूंगी, वरना आपका मोटा चालान कटेगा, समझ गई आप। अच्छा, मैंने इससे लिफ्ट मांगी है, ये कागज नहीं दिखाएगा। लिफ्ट मांगी है तो क्या हो गया, नियम तो नियम है, कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। हवलदार, इनके कागज चेक करो, अगर नहीं मिलते ना कागज, तो इनका एक अच्छा मोटा चालान काटो, तभी पता चलेगा इन्हें। मैडम जी, आप इनके कागज ले लो ना, कोई आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, मेरे क्यों मांग रहे हो? तो एक बात बता, ये जो बाइक है ये किसकी है? ये तो नथुराम की है जी। चला कौन रहा था? मैं चला रहा था। बहू, मैंने कह दिया ना, मेरे होते हुए तू इसके कागज नहीं चेक करेगी, मतलब कह दिया तो कह दिया। माँ जी, आप घर में नहीं है जो मुझ पे हुक्म चलाएंगी, यहाँ पे आपको मेरा कहना मानना होगा, और कागज तो आपको दिखाने ही होंगे, और अब तो बिना कागज दिखाए मैं आपको छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा, अब तो मुझ पे हुक्म चलाएगी, मैं तेरी सास हूँ, सास है। सास होंगी आप घर में, समझ गई, यहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ,
चुपचाप कागज दिखाओ वरना जेल में डाल दूंगी और साथ में मोटा चालान काटूंगी, समझ गए? अच्छा, महारानी सुबह ही आ जाती है नहा धोके, मुंह उठा के चल देती है, घर पे चूल्हा चौका मैं करूं, हुकम चलाओ तुम। अच्छा, तो सरकारी सर्विस वाली बहू भी आपको चाहिए थी ना मोटी तनख्वाह, हर महीने जो पैसे कमा के लेके आती हूँ ना सैलरी के, आपके हाथ में रखती हूँ। अच्छा, तो अब मैडम जी तनख्वाह दे के मुझे खरीदना चाहती है। देख लो, पति परमेश्वर जी बहुत ताने दे रही है। मैडम ठीक कह रही है, पति परमेश्वर में घर पर है। ऐसा करो, इसको बोलो गाड़ी के कागज दिखाए। चुप कर, बड़ा आया मैडम का चमचा, तुम्हें तो मैं घर आते ही देख लूंगी। ओ माँ जी, ऑन ड्यूटी ना एक हवलदार को धमकाना कानूनन अपराध है, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ आप। नहीं दूंगी, क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? हाँ, मोटा चालान काटूंगी तेरा मैं। मैडम जी चुप शांत, मुझ गरीब को तो जाने दो ना, आप मेरी वजह से क्यों घर में लड़ाई कर रहे हो? तू चुप रह, समझ गया ना, किसी बात का पता ना हो ना तो बीच में बोलना नहीं करते। हाँ माँ जी, अब बताओ कागज दिखाओगे या चालान कटवाओगे? मैं देखती हूँ तुझे कैसे चालान काटती है। अच्छा हवलदार। हाँ मैडम जी। कागज चेक कर, नहीं मिलते ना तो चालान काट, वो भी मोटा सा, आ जाइए मुर्गी हाथ में। अच्छा, मैं तुझे घर आना फिर बनाऊंगी मुर्गी कि मुर्गी कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो घर की धमकी क्या दे रहे हो मुझे, यहाँ पे करके दिखाओ ना जो करना है। अच्छा मैडम जी, मुझ गरीब को जाने दो ना। चुप है बैबड़ी। अच्छा, छाछ तो बोले जो बोले, अब छालनी भी बोलने लगी। हेलो माँ जी, ऑन ड्यूटी का हवलदार को धमकाना कानूनन अपराध है, आपको जेल में डाल दूंगी, समझ गई क्या? अच्छा, अब तू डालेगी मुझे जेल में, देखती हूँ कैसे डालती है। कैसे डालती है माँ जी, जो बोलती हूँ ना वो करके भी दिखा दूंगी, आपकी तरह नहीं हूँ, घर में बोलो कुछ और करोगी कुछ और। अच्छा, खाना कौन बनाता है? तो लेके कौन आता है राशन? मैं। अच्छा, तो बनाती तो मैं हूँ, तुझे तो सिर्फ दोनों को ठूसने का काम है। रहन दो माँ जी, आपको नहीं पता आजकल पैसे कमाना कितना औखा काम है, क्यों हवलदार? हाँ मैडम जी। तो घर का कौन सा सोखा है काम करना? अच्छा एक बात बताओ, कपड़े कौन धोता है? मैं। फिर कपड़े धोके तू महारानी बन गई क्या घर की? तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि खाना कौन बनाता है, काम तो मिलके करना पड़ेगा ना। अच्छा, इतनी ऊंची आवाज में बात करना सीख गई अपनी सास से? इस वक्त आप सास नहीं हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गई आप, और आप मुझसे इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ होगी तो पुलिस ऑफिसर, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी, घर पे आना अगर टांगे ना तोड़ी तो दोनों की। मैडम जी, मुझ गरीब को जाने दो ना। अरे तू गरीब, तू तो एक नंबर का हरामी और बेवड़ा। हवलदार, इसकी मोटरसाइकिल बाउंड कर। अभी लो मैडम। हाँ, घर पे देखेगी मेरे को, मैं बताती हूँ घर पे तो इस सासू माँ को। इस घर में नो एंट्री। क्या हुआ सासू माँ, अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ क्या? क्या कहा सासू माँ? वहाँ तो क्या कह रही थी मुझे, बहन जी, आप क्यों नहीं बोलती बहन जी? ओफो सासू माँ, वो तो मैं ऑन ड्यूटी पर थी ना। अच्छा, तो अब इस घर में मेरी ड्यूटी है, समझी? ससुर जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इन्हें? आप कुछ मत बोलो हवलदार साहब, वरना आपको पता है मेरा नाम रसभरी है, रसभरी। अरे मेरी रसभरी, अब मैं हवलदार नहीं, तेरा पति परमेश्वर रामफल हूँ, रामफल। अच्छा, तो अब मेरा पति परमेश्वर रामफल हो गया, और वहाँ पे क्या बोल रहा था? ऑन द ड्यूटी हवलदार। क्यों, अब कहो ना, अब तुम दोनों की ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी शुरू। सुन रही हो क्या?
चाहिए माँ जी? पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगा, फिर पोछा लगा, फिर बर्तन साफ कर, कपड़े भी तू धो, और उसके बाद खाने पे लग जा, अच्छा सा खाना बना मेरे लिए। एक मिनट सासू माँ, हमने वो काम वाली लगा रखी है, वो आ जाए नहीं क्या? अच्छा काम वाली, तुम दोनों ने वहाँ पे मेरी छुट्टी कर दी, इसीलिए मैंने घर आते ही काम वाली की छुट्टी कर दी। रामफर जी, कणक का गट्टा उठाओ, घर में आटा खत्म है। और सुनो, आते टाइम सब्जी लेके आना। हाँ, घर में राशन भी खत्म है, वो भी लेके आना। और साइकिल उठाओ और लांडा लगाओ, चलो। एक मिनट सासू माँ, साइकिल क्यों? ससुर जी मोटरसाइकिल पर चले जाएंगे। अच्छा, ये मोटरसाइकिल मैंने कर लिया बाउंड। अरे मेरी रस भरी, कम से कम ड्रेस तो बदलने दे, गर्मी लग रही है। ना ना, इसी ड्रेस में चलो, चलो। ओफो सासू माँ, आप भी हद करती हो, सुबह की बात का भी ना गुस्सा मान के बैठी हो, ये क्या बात होती है? चुप रहा। चुप वाली क्या बात है सासू माँ, सही तो कह रही हूँ, ऑन ड्यूटी था, आप गलत कर रही हो तो हम रोकेंगे ना आपको गलत करने से, आखिर पुलिस वाले हैं, अब उसका बदला ऐसे निकालोगे आप हमसे? अच्छा, वहाँ पे थे ऑन ड्यूटी, अब इस घर में नहीं हो, समझी? सासू माँ, मानती हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो, ठीक है, लेकिन ये भी इस घर के मालिक है और मैं बहू रानी हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा बहू रानी नहीं हो? अब लग जाओ फटाफट काम से और जुबान लड़ाना बंद करो। सासू माँ, बात मैंने नहीं बढ़ाई, बात आप बढ़ा रहे हो, समझ गया आप? क्यों ससुर जी? बिल्कुल बहू रानी ठीक कह रही है। अरे मेरी रास भरी, अब तो शांत हो जा, शांत हो जा। ओफो सासू माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। ठीक है, मैं घर का सारा काम खुद कर लूंगी और आप आराम से बैठ जाओ, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ ठीक है, एक काम कर, मेरे लिए चाय बना मलाई मार के गर्मा गर्म, और सुन, मीठा लेवल में होना चाहिए। ठीक है सासू माँ, आपके लिए आपके लेवल की चाय बना दूंगी, अब तो खुश? हाँ ठीक है। हाँ, हम किधर चले? अरे मेरी रस भरी, मैं ड्रेस बदलने जा रहा हूँ। ना ना, नाना तो बिल्कुल भी नहीं, साइकिल उठा और लांडा लगा। ठीक है मेरी खाने गानी, ये चला मैं। देखा, घर की थानेदार निकल रोग। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।